हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसन और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रॉपर्टी की वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है। दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं IBIS ग्रुप के एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है स्मार्ट सिटी। दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट जो है फैजाबाद रोड से, जो देवा रोड आई है, फैजाबाद रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। देवा रोड पे, देवा रोड पे आपने देखा होगा द वुड्स अपार्टमेंट दोस्तों, उसका जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पे ये 50 मकान की एक सोसाइटी तैयार की जा रही है। और IBIS ग्रुप से जो है हमारे साथ हैं शान भाई, तो हम शान भाई से चाहेंगे थोड़ी सी जानकारी शान भाई जो है हमारे व्यूवर्स को इस साइट के बारे में दें। तो हेलो व्यूवर्स, हम एक बार फिर से आपके चैनल पे नई वीडियो के साथ में आए, एक नए ऑफर के साथ में, एक नई साइट के साथ में जिसका नाम स्मार्ट सिटी है और मेन फैजाबाद रोड के पास में ही अपने मकान है। द वुड्स अपार्टमेंट है देवा रोड पे, उसके बिल्कुल बगल में ही अपनी साइट है। करीबन 50 मकान यहाँ पे बना के हम सोल्ड कर चुके हैं और करीबन करीबन हम यहाँ पे 45 से 50 मकान और बनाने जा रहे हैं। तो पहले अभी जहाँ पे हम आए हैं, पहले आपको ये मकान दिखाते हैं, फिर उसके बाद में आगे वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बैक साइड पे देखते हैं तो मैक्सिमम देखेंगे यहाँ पे लोग पोजीशन में हैं, रह रहे अपने हिसाब से, लोग ने गार्डन बना लिया है, कोई किसी ने अपने हिसाब से लोगों ने यहाँ पे काफी सारी चीजें मॉडिफाई करी है। और फैजाबाद रोड की तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा डिमांड आती है, पिछली कॉल पे बहुत ज्यादा, पिछली बार पिछली वीडियो पे बहुत सारी कॉल आई, तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले फैजाबाद रोड की वीडियो शूट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सर, ये देखिए पूरे सब मकान में ऑलमोस्ट देखेंगे सब पोजिशन में है, यहाँ पे रह रहे हैं, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, पूरी गेटेड कॉलोनी बनाई है जी, आपने, पूरी गेटेड सोसाइटी है। रोड की कितनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पे रोड, यहाँ पे 25 फीट की पूरी रोड है, डामर रोड है यहाँ पे, लोग पोजीशन में हैं, देख सकते हैं लोगों ने अपना गार्डन यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे जो है ये सारे मकान जो है सब बना के आपने पोजीशन दे दिया, ये वाले मकान, और ये वाले, ये साइड भी मकान बने हुए हैं। अच्छा, दोनों के बीच में रोड हमको लग रहा है कम से कम 25 फीट की दी है, पूरी प्रॉपर 25 फीट की रोड और डामर रोड के साथ में दी है। इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए हैं, पोल्स पे लाइट, मैक्सिमम चीजें, अगर जैसे आप अपनी वीडियोस देखते हैं जैसा कि हमने अपनी और साइडों पे अपने बेस्ट देने की कोशिश करी है, यहाँ पे भी हमने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है, मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे भी सब दी है। अच्छा जी, तो अभी आप बता रहे थे फुल फर्निश देंगे ये मकान, ये ऑफर है, अपनी नई साइट लॉन्च हुई है स्मार्ट सिटी, न्यू स्मार्ट सिटी, ये जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड है, यहाँ पे अपने सारे मकान बने हैं और यहाँ पे बना के सारे बिक चुके हैं। अभी वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे वहाँ पे नए मकान बन रहे हैं और उसका एलिवेशन यहाँ से बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया गया है, वहाँ पे चीजें बहुत अपग्रेड करी गई है, उसका पूरा एलिवेशन अलग है, पूरा डिजाइनिंग पूरी अलग है, अंदर से ड्राइंग भी थोड़ी सी अलग दी गई है। तो वीडियो में भी आपको हम वो भी दिखाते हैं और वहाँ पे एक नया ऑफर है, बेस्ट ऑफर रहेगा इस वीडियो के हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि फैजाबाद रोड पे बहुत ज्यादा डिमांड आती है जी। फुल्ली फर्निश हम आपको मकान देंगे जिसमें बेड, AC, TV, सोफा, मैक्सिमम सारी चीजें वहाँ पे रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको मकान परचेज करना और मूव करना है जी। ठीक है, तो ये होगी बने बनाए वाले मकानों की बात जी। तो अब हम दिखा देते हैं जैसे कि एक मकान वहां पे बन रहा है, हाँ, इसी साइड का, हाँ, एक मकान बन रहा है, एक बार हम आपको चल के अंदर थोड़ी सी ड्राइंग दिखाते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे मकान बना के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें ये प्लाट है तो इनमें सब में मकान बनेंगे ना, ये सबकी बुकिंग हो चुकी है जी। जी, ये सब मकान की बुकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट रजिस्ट्रीज हो चुकी है, यहाँ पे हमें मकान कम्प्लीट करके देना है जी। अच्छा, ये भी है कि जैसे ये फेज 2 है तो ये मेन रोड से ज्यादा दूर है और फेज 1 जो है मेन रोड के और करीब में है जी। अभी जो नई साइट लॉन्च हुई है वो बिल्कुल मेन हाईवे से 50 मीटर के डिस्टेंस, 50 मीटर के डिस्टेंस पे, अपार्टमेंट के बिल्कुल जस्ट बगल में है, बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, बगल में ही मार्केट, कन्वेंस, 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन। फैजाबाद रोड की अगर जैसे कि हम बात करते हैं तो आप लोग खुद ही जानते हैं, अपने में बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बगल में BBD यूनिवर्सिटी आपका यहीं पे पूरा गोमती नजर आपको मिल रहा है और जहाँ पे इस वक्त है यहीं से सीधा रास्ता आपका निकलता है मुंशी पुलिया के लिए, मुंशी पुलिया के लिए, द वुड्स वाली जो अपनी रोड है यहाँ पे नौबस्ता कहलाती है ये रोड और ये सीधा रास्ता मुंशी पुलिया निकला है। अगर मुंशी पुलिया की हम बात करते हैं तो मात्र यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुंशी पुलिया चौराहा है और अगर हम फैजाबाद रोड की बात करें तो मात्र 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमको लगता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे किसान पद भी है यहाँ से, हाँ बिल्कुल 4-5 किलोमीटर की रेडियस में किसान पद भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है जी, तो दोस्तों उधर हम आपको मकान दिखा के आए, वो सारे मकान जो यहाँ से देख लीजिए कितने अच्छे एलिवेशन लग रहे हैं, सारे लोग जो है इसमें शिफ्ट हैं। ठीक है, इस साइड में मकान दिखा के आए, इस टाइम जो हम आपको बना हुआ जो मकान बन रहा है वो दिखाने वाले हैं, वो ये वाला मकान है। और इस साइड में जो है आपको अंदाजे के लिए दिखा रहे हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो प्रोजेक्ट है कैसा बना के डिलीवर हम लोगों ने किया है और जो इस टाइम मकान आपको हम लोग देंगे वो हम लोग देंगे आपको फेज 1 में, वो आपका मेन रोड से मान के चलिए सिर्फ 200 या 300 मीटर की दूरी पे है और ये इसका एलिवेशन है।
ये मकान लाइन से बने, ये इसका एलिवेशन है। अच्छा, 2 BHK के हैं पूरे? हाँ, 2 BHK हम बना के दे रहे हैं। जैसे कोई भी अगर एक्स्ट्रा चाहता है तो ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो मार्केट में चल रही है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, वही रेट पे हम यहाँ पे आपको ऊपर कंस्ट्रक्शन करके देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने मकान के किस रेट में बेचे हैं और वहाँ पे क्या रेट के रहेंगे? यहाँ पे जो हमने मकान बेचे हैं यहाँ पे रेट रहा है 38 लाख। अच्छा जी, 38 लाख, 1000 स्क्वायर फीट के? 1000। और वहाँ पे? वहाँ पे जो मकान हम बना रहे हैं वो मकान 50 लाख रुपए का 1000 स्क्वायर फीट मकान फुल्ली फर्निश रहेगा जी। अभी बिल्कुल नई साइट लॉन्च हुई है, इस वक्त काफी सारे कॉर्नर्स और मैक्सिमम मतलब चीजें अवेलेबल हैं। अगर अभी आप परचेज करेंगे तो आपको आपकी डिमांड की चीज मिल पाएगी, जो चीज आप चाहते हैं जी। तो पहले ये वाला मकान दिखा देते हैं, थोड़ा डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है, ये जो साइट है ये रोड से करीबन 1 किलोमीटर अंदर है और वाली साइट बिल्कुल ऑन रोड है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है मेन रोड से, बहुत ही खूबसूरत साइट है वो। ठीक है जी, तो ये वाला मकान एक हल्का सा अंदर से दिखा देते हैं फिर वाली साइट पे चलते हैं। अच्छा, इसका साइज जो है 20x50 है। अब 20x50 20x50 1000 स्क्वायर फीट है। इस वक्त हम पोर्च पे खड़े, पोर्च आपको बहुत ही अच्छा पोर्च है, आराम से डिजायर खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे कि आपने और वीडियो में देखा है, फ्रंट में लॉबी दी है, 2 एंट्रेंस दिए हैं यहाँ पे हमने। अब थोड़ा सा अंदर काम चल रहा है, अब कुछ क्या दिखाते हैं आगे। एक एंट्रेंस दिए है। अच्छा, पूरे में फॉल्स सीलिंग करा के दे रहे हैं जी? पूरे में फॉल्स सीलिंग रहेगा और पीओपी फॉर सीलिंग दोनों रहेगा, दोनों चीज रहेगी, मिक्स रहेगा। इस पर वायरिंग का पूरा यहां पे काम चल रहा है, फॉर सीलिंग का भी काम चल रहा है। ये है डाइनिंग एरिया। हाँ, वो था जिसमें अभी हम थे, हमने एंट्री करी थी, वो ड्राइंग स्पेस, वो ड्राइंग रूम। हाँ, अब ये डाइनिंग स्पेस, ये डाइनिंग स्पेस है। इसके बाद में आपके राइट हैंड साइड पे ये किचन है, ओपन मॉड्यूलर किचन रहेगा। अभी आप देख सकते हैं किचन का साइज बहुत बड़ा है। हाँ, अभी आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी ये मॉड्यूलर किचन रहेगा, फुल्ली मॉड्यूलर रहेगा विद चिमनी। इसके बैक साइड पे 2 रूम और काफी हैवी स्पेशियस ओटीएस, ओटीएस यही ओटीएस है, यही पे बाहर आपका वॉशरूम रहेगा, काफी स्पेशियस टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे रहेगा। फिर एक रूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये आप देखेंगे अपना फर्स्ट रूम जो है, इससे अटैच बैक साइड पे ओटीएस दिया गया। आपने आगे देखा, एक ओटीएस इससे अटैच करके दिया गया बैक साइड पे। रूम की अगर साइज की बात करें तो 9.5x12 का दोनों रूम, क्योंकि 20 का फ्रंट है आपका, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं आती है। 20x50 बहुत ही अच्छा साइज रहता है, बैक साइड पे भी ओटीएस निकल आएगा, फ्रंट में भी ओटीएस, स्टोर रूम भी निकल के आ रहा है, 2 टॉयलेट बाथरूम भी निकल के आ रहा है। अब देखेंगे साथ में हमने यहाँ पे स्टोर रूम दिया है, इसमें ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम मिल जाता है अंदर से दिखा दिए। अच्छा साइज इसका भी है, 8x4.5 इसका साइज दिया हुआ है। ये ओटीएस भी बहुत बड़ा आपने दिया है, पूरा जाल ऊपर काफी स्पेशियस दिया जाता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम मकान का यूज घर की लेडीज ही करती है। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन आप बहुत इजीली यूज कर सकती हैं, स्टोर की जगह स्टोर यूज करें या पूजा घर बना ले, आपके अकॉर्डिंग है। एक बार आप आइए चीज को देखिए, फिर अपने हिसाब से चीजों को आप जज कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा रूम आपको दिखाते हैं, दूसरा रूम दिखा देते हैं। अच्छा, पूरे मकान में जो है फॉल्स सीलिंग बन रही है, कहीं पे फॉल्स सीलिंग है, यहाँ पे पीओपी बनेगी और एक बेडरूम, ये ड्राइंग में डाइनिंग स्पेस हमने फॉल्स सीलिंग करके दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे लेबर्स रह रहे हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे कैसी है। लेकिन ये दूसरा रूम है और ये इससे अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ये भी आके टॉयलेट बाथरूम दिखाइए। इसका साइज भी बढ़िया है, लगभग 7x5 साइज है इसका, काफी बड़ा साइज है। इसमें कमोड वाली सीट टक जाएगी, और जैसे कि वहां पे मकान बन रहे बहुत ज्यादा, उसमें जो है ऑप्शनल हो जाएगा चीजें, जैसे जो क्लाइंट कहेगा सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ ममटी दी है। हाँ, ऊपर ममटी दी गई है, बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन आप कराना चाहते हो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम करके देंगे, करा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मकान जो है, ये तो सारी यहाँ पे पूरी साइड जो है सेल आउट हो गई है। हम लोगों ने आपको इसलिए दिखाया कि आप अंदाजा लगा सकें कि कैसा प्रोजेक्ट जो है बना के हम लोगों ने डिलीवर किया है, कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और फ्रंट एलिवेशन क्या है। सेम साइट जो है वहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो चलिए वाली साइट पे आपको विजिट कराते हैं। हम आ चुके हैं मेन लोकेशन पे, न्यू स्मार्ट सिटी जहाँ पे डेवलप की जा रही है। तो शान भाई, रोड सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या साइज है रोड का? यहाँ पे भी रोड 25 फीट की पूरी, 25 फीट की रोड मिल रही है, डामर रोड बना के देंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम गेट की बात करें मेन गेट की, तो वो कहाँ पे लगाया जाएगा? देख सकते हैं वीडियो में सामने आपको, यही सीधी सामने रोड है, मेन रोड इधर ही से आप निकल जाएंगे, 50 मीटर का डिस्टेंस है। और क्या कहते हैं, गेट भी आपका यहीं पे ही गेट रहेगा।
और हमारे बैक साइड पे अगर इस वक्त आप देखेंगे वीडियो में, बैक साइड पे आपको यही देखिए वुड अपार्टमेंट बैक साइड पे दिखेगा, बिल्कुल बैक साइड पे अपने द वुड्स हैं। फिर इस तरफ अपने पूरे मकान बन रहे हैं यहाँ पे, और करीबन 45 से 50 मकान यहाँ पे भी अपने रहेंगे। तो अगर जो भी इस वक्त जल्दी करेगा, जैसे कि बहुत लोगों को कॉर्नर की रिक्वायरमेंट होती है, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराना होता है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर अभी आप करते हैं तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा लेंगे, कॉर्नर का यूनिट ले लेंगे, अभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वक्त हम चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे भी हम बना के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। ये सब मकान बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यही अपना कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है IBS ग्रुप के नाम से। देखते हैं ये वाले मकान पहले। अच्छा, जो साइज आपने बताया था 20x50 1000 स्क्वायर फीट में, कोई छोटे मकान नहीं, जैसे कोई छोटा चाहे या और थोड़ा बड़ा चाहे? यहाँ पे जो है यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट मकान है। अगर कोई छोटा चाहता है जिसका बजट कम है, हाँ, तो उसके लिए और यूनिट्स हैं और दूसरी साइट्स पे, बिल्कुल गोमती नगर में ही है, इंदिरा नगर में भी कुछ अपने पास में यूनिट्स है, IM रोड बंथरा पे भी ले IM रोड पे है, बंथरा में है, काफी सारी यूनिट्स है। करीबन 250 मकान है अपने यहाँ पे अभी इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो अपना देवा रोड पे ही है। तो हम लोग आ चुके हैं नई साइट पे और आपको जो 1000 स्क्वायर फीट का मकान इस टाइम दिखा रहे हैं। जैसा आपने मकान देखा था सेम वैसा ही मकान है, और हम लोग खड़े इस टाइम इसके पोर्च में। तो शान भाई, इसका पोर्च का साइज क्या होगा? इसका पोर्च का साइज अप्रोक्स 10x19 का, आराम से डिजायर कोई भी आप गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल इजिली खड़ी कर लेंगे। दो दो एंट्रेंस दिया है, एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस वो है। गाड़ी खड़ी होने के बाद आप इजिली दोनों एंट्रेंस को भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉबी दी गई है, लॉबी में आराम से आप पार्किंग कर सकते हैं। करीबन 4 फीट की पार्किंग दी गई है यहाँ पे, यहीं पे भी आपका हर मकान में इंडिविजुअल समर्सिबल होगा जी। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। और ये जो है इसका पोर्च है, दो एंट्री दी है इसमें, पोर्च पे से। अच्छा, यही मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर आपने अपनी पुरानी वीडियोस देखी है किस तरीके से मकान बना रहे हैं, किस तरीके से मकान फ्रेश कर रहे हैं, देख रहे होगा। और इससे पहले अभी इस वीडियो में ही हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से मकान बना के दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये मकान भी वैसे ही रहेगा, एक रूम इस तरफ है, एक टॉयलेट बाथरूम इधर, एक OTS इधर, एक अपना ड्रॉइंग कम डाइनिंग ओपन मॉड्यूलर किचन रहेगा, एक रूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम, एक रूम से अटैच बैक साइड पे OTS स्टोर रूम, जैसा कि हमने उस वीडियो में अभी वीडियो में हमने आपको पीछे दिखाया, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मकान देंगे। और वहां से चीजें बहुत सारी अपग्रेड करी जाएंगी यहाँ पे चीजें। फैजाबाद रोड से जो है 2 किलोमीटर साइड है दोस्तों, फैजाबाद रोड से 2 किलोमीटर साइड है, देवा रोड पे द वुड्स अपार्टमेंट के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है। और ये जो रोड है अपनी, ये रोड मुंशी पुलिया निकल रही है, मतलब ये डबल बेनिफिट। अगर आप मुंशी पुलिया मूव करना चाह रहे हैं इंदिरा नगर, तो 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन आपको मिल रहा है। और अगर आप फैजाबाद रोड जा रहे हैं, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मेन फैजाबाद रोड मटियारी चौराहा मिल रहा है। अब जैसे रेट की बात कर लेते हैं एहसान भाई, तो 1000 स्क्वायर फीट का मकान मात्र 50 लाख में फुल्ली फर्निश मकान देंगे यहाँ पे, बेड, AC, TV, सोफा, मैक्सिमम सब चीजें यहाँ पे हम करके देंगे, करके यहाँ पे हम आपको देंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं बाहर, थोड़ी सी साइड जो है और दिखा देते हैं। मकान तो दोस्तों आपने देख ही लिया है, से ये बन रहा है पूरा, हम लोगों ने आपको नक्शा बता दिया है, और अभी आपको हम दिखा के भी आए थे कि कैसे मकान बन रहे हैं और कैसे मकान बना के जो है डिलीवर करें, ये भी हम दिखा चुके हैं। आपको थोड़ी सी साइड यहाँ पे दिखा देते हैं। अच्छा, 25 फीट की रोड है पूरी में, 25-25 फीट की रोड है पूरे में, यहाँ सारी रोड 25-25 फीट की रोड है। अब जैसे कि मकान के बेसिक कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं एक बार, तो मैक्सिमम क्लाइंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि बिल्डर्स ये कर रहे हैं, बिल्डर्स वो कर रहे हैं, बिल्डर्स वो कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन आपके सामने देख सकते हैं, ये पिलर अलग है, ये पिलर अलग है, ये वॉल अलग है, ये वॉल अलग है, बेसिक सारी चीजें आपको यहीं पे दिख जाएंगी, कुछ भी हिडन नहीं है, सब आपके सामने है यहाँ पे। जैसे मकान बन रहा है सारा मटेरियल भी सामने ही होगा कि कौन सी सीमेंट लग रही है, कौन सी सरिया लग रही है, जी बिल्कुल सारी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल एहसान भाई, देख सकते हैं अभी कॉर्नर, नॉन कॉर्नर, बहुत सारी यूनिट अभी अवेलेबल है। अभी बहुत ही अच्छा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नई साइड है। कॉर्नर आप जानते हैं मुश्किल से 1 से 2 महीने लगता है, सारे कॉर्नर बुक हो जाते हैं। करीबन यहाँ पे भी अपने पास अभी कॉर्नर अवेलेबल है, कॉर्नर भी है और भी यूनिट बहुत सारी है, आप कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए आगे। तो शान भाई, यहाँ पे जैसे कोई मकान अगर बुक कराना चाहता है, आपके पास फोन करता है, तो क्या प्रोसेस आएगा उसका, कैसे लेगा मकान? देखिए, अगर कोई भी बुक कराना चाहता है, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी हमारे बुक कराता है, और टोकन अमाउंट 100% रिफंडेबल है, आप किसी भी अमाउंट से इसको बुक करा सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी देखिए सर, साफ सुथरी है, अपनी जमीन, अपना कंस्ट्रक्शन, सब कुछ अपना है यहाँ पे। जैसे रजिस्ट्री जो है ये कंपनी करेगी, जैसे किसान से टाई अप नहीं की किसान रजिस्ट्री करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी करेगी रजिस्ट्री आपको। और जैसे कि आपने देखा होगा मैक्सिमम साइड साइड पर हमने डेवलपमेंट किया, वैसे यहाँ पे इस वक्त हम अपनी रोड पे खड़े हैं, रोड के बैक साइड पे देखेंगे अपने पिलर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे पोल्स लगने वाले हैं, रोड हम डेवलप करने जा रहे हैं, रोड बनाने जा रहे हैं। मकान के लोन की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं और उसके फंड की बात करते हैं। 20x50 यहाँ पे आपका लैंड रहेगा, 1000 स्क्वायर फीट
मकान का फ्रंट ये रहेगा आपका 20x50, उसके सामने 25 फीट की रोड, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में मकान रहेगा। कोई भी लोन कराना चाहता है 80-90% लोन हम उसको अपनी प्रॉपर्टी पे करा देंगे। हमारी प्रॉपर्टी एलिजिबल है, 80-90% लोन अपनी प्रॉपर्टी पे आपको करा देंगे। ठीक है, लोन कहाँ से कराएंगे? लोन हम करा देंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस से करा देंगे, HDFC से करा देंगे, PNB हाउसिंग फाइनेंस से करा देंगे। लेकिन LIC सबसे बेस्ट रहता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ही कम रहता है, इजी गोइंग है, और लोन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और बैंकों से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए LIC सबसे ज्यादा सही रहता है। बाकी और किसी से भी अगर कोई चाहता है तो हम लोन करा देंगे, नेशनलाइज बैंक को हटा के। ठीक है, पूरी गेटेड कॉलोनी रहेगी, जैसे कि आपने और साइड देखी है वैसे ये भी पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी ये भी, और डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा स्टार्ट हो चुका है, पिलर्स लगाने जा रहे हैं, रोड बनाने जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं अपने चारों तरफ। लोकेशन में अगर देखेंगे बैक साइड पे वुड आपको दिख रहा है, और भी अगल बगल चारों तरफ यहाँ पे मकान बने हुए हैं। मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस है 50 मीटर का डिस्टेंस है। ऐसे हम बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन की, जैसे कोई बुकिंग कराता है कितने दिन में आप उसको पोजीशन दे देंगे रहने के लिए? प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई बुक कराता है तो यहाँ पे हम 3 महीने में उसको पोजीशन दे देंगे। हमारे मकान में करीबन 3 मकान में यहाँ पे हम छत डालने जा रहे हैं, तीन, और उनको हम 3 महीने में पोजीशन दे देंगे यहाँ पे। जी ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो डामर वाली रोड बन जाएगी, यहाँ पे नाली बन जाएगी, पोल लग जाएंगे, गेट लग जाएगा, CCTV कैमरे लग जाएंगे, गार्ड बैठ जाएगा, और पूरी जो है आगे से ये पूरी कॉलोनी जो है ब्लॉक रहेगी ना? हाँ, पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी, आगे से पूरी ब्लॉक रहेगी। जी ठीक है, तो दोस्तों इस साइट से जो है जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपको लगता है किसी तरह की जानकारी आप तक नहीं पहुंची है तो नीचे नंबर दिया गया है, दिए नंबर पे कॉल करके जब चाहें आप यहाँ पे आके दोस्तों इस साइट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।